हेलो गाइस, जीटी वाइस टी गेम के अंदर आप इस जो कोयल ब्रेवलर आपको एक कार नज़र आ रही है जो जीटी 5 में देखने को मिलती है, इसे आप अपने जीटी वाइस टी गेम के अंदर कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये बताने वाला हूँ। गाइस, आपने वीडियो को पूरा देखना है तो आप भी अपने जीटी वाइस टी गेम के अंदर इस कार को इंस्टॉल कर पाओगे। सबसे पहले आपने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इस मोड को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैंने वहाँ पर ऐड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसे अपने जीटी वाइस टी गेम के अंदर कैसे इंस्टॉल करना है, तो सबसे पहले आपने इसे राइट क्लिक करके एक्स्ट्रा टियर पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने स्क्रीन पे ये न्यू चीज़ आ जाएगी, आपने डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर देना है। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके सामने स्क्रीन पे ये न्यू पेज आ जाएगा। तो गाइस, इस पेज के अंदर आपको यहाँ पे साइड पे उस कार की पिक्चर नज़र आ जाएगी कि ये कार आपको मिलने वाली है आपकी गेम के अंदर किसी और कार की जगह रिप्लेस होके। तो कौन कार की जगह रिप्लेस होके आएगी, वो कार आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जी गाइस, यहाँ पे मैं उस कार को सिलेक्ट करूँगा जिसका मेरे पास चीट कोड होगा, जिसका चीट कोड मैं एक्टिव कर पाऊंगा। जी गाइस, यहाँ पे इन्फिनिक्स कार आपको नज़र आ रही है, मैं इस कार को सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसका मेरे पास चीट कोड है। अल्टीमेट के ट्रेनर के जरिए छोड़ मैं इसका चीट कोड एक्टिव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इस कार को छोड़ सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कार सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करके आपने अपनी जीटी वाइस टी गेम को छोड़ फाइंड करना है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे रिबिल्ड अर्चीव पर टिक करके इंस्टॉल पर क्लिक करके कंटिन्यू इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करने के बाद ये आपके सामने स्क्रीन पे ग्रीन लाइन छूने स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ग्रीन लाइन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि आपका जो मोड है वो सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड हो चुका है आपकी जीटी वाइस टी गेम के अंदर। उसके बाद आपने टोटली फाइल को क्लोज कर देना है। अब आपने चले जाना बैक अपनी जीटी वाइस टी गेम के अंदर। गाइस, अगर आप थोड़ा बहुत अल्टीमेट ट्रेनर के बारे में जानते हो तो आपको इसका चीट कोड पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं तो आपने अल्टीमेट ट्रेनर को इंस्टॉल करना है, अपनी जीटी वाइस टी गेम के अंदर ऐड करना है, उसके बाद आपने उसको ओपन कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अल्टीमेट ट्रेनर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ये न्यू पेज छेना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेटअप पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नीचे की तरफ आऊँगा तो यहाँ पे आपको स्पेन इन्फ्रेडस चीट कोड लिखा हुआ नजर आएगा, और राइट वाला शिफ्ट और वन के बटन से जो ना इसका चीट कोड एक्टिव होगा। तो इसे आपने यहाँ से टिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना, और स्टार्ट वाइस पे क्लिक करके आपने अपनी जीटी वाइस टी गेम को जो ना स्टार्ट कर देना है, प्ले कर देना है। तो गाइस, आपने अपनी जीटी वाइस टी गेम को स्टार्ट गेम पे क्लिक करके न्यू गेम या लोड गेम कहीं पे भी आप अपनी गेम को प्ले कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज, आपके सामने टोमी जो है ना आपको नजर आ रहा है। अब आपने चीट कोड कैसे एक्टिव करना है, चीट कोड एक्टिव करने के लिए गाइज स्क्रीन पे मैं आपको ऊपर जो है कीबोर्ड शो कर देता हूँ। राइट वाला शिफ्ट और वन का बटन आपने दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे ही मैं जो है यहाँ से राइट वाला शिफ्ट और वन का बटन एक साथ प्रेस करता हूँ, ऊपर आपको चीट एक्टिवेटेड लिखा हुआ नजर आएगा, और मेरे सामने मेरी जो पुरानी इन्फिनिक्स कार थी जीटी वाइस टी गेम के अंदर वो रिप्लेस होके एक न्यू मॉडर्न जो कार हमने पीछे एड की इंस्टॉल की वो जो है मेरे सामने आज के आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये देखें दोस्तों, आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ, ये वो कार छिन आ चुकी है मेरे पास जो हमने अभी अभी इन्फिनिक्स कार की जगह पीछे मोड के ऊपर छिन रिप्लेस की थी इन्फिनिक्स कार की जगह, तो हमने उसका चीट कोड भी एक्टिव कर लिया है और वो हमें गेम के अंदर भी मिल चुकी है। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो छिना पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि डेली बेसिस पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।